भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश मांस विकास निगम के अध्यक्ष दर्जा कैबिनेट मंत्री पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया भिंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस पर प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, किसानों के लिए भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। भाजपा किसान हितैषी सरकार है। बांस को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में बांस विकास निगम का दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं दर्जा प्राप्त होने से कहा, किसानों से आग्रह है कि बांस की खेती करें और इसके लिए सरकार पेड़ लगाने के लिए खर्चा उठाएगी। 3 साल में बांस का पेड़ पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और इसको किसान अपने द्वारा रेट तय करके बेच सकता है। इससे किसानों को फायदा मिलेगा। आज हम देखेंगे बांस के बहुत सारे काम बड़े बड़े हो रहे हैं और सोफा, यहाँ तक कि पानी की बोतल भी बांस की। कहीं ना कहीं इससे पर्यावरण को भी संतुलन का आभार मिलेगा और जो प्रकृति में असंतुलन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम सबको बांस तो जो ऑक्सीजन देने का जो काम करता है, कोरोना काल में हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की कैसी मारामारी थी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी हमारा ठीक रहे और हमारा लोकल का जो वोकल करने की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो हमारे उद्यमी, हमारे छोटे काश्तकार हैं, हमारे छोटे शिल्पी हैं, उन सबको अवसर मिले, बांस के माध्यम से अवसर मिले, ये बात बता दी। अभी तक इस तरह के बांस के बनाए गए हैं। अभी भिंड में मुझे यहाँ बताया था कि बरोई के पास में एक उन्होंने प्लांट बनाया है जहाँ बांस उगाने का काम हो रहा है। मैं सभी किसान बंधुओं से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए वो सब आगे आए। उसमें हमारा बोर्ड क्या मदद कर सकता है, वो हम सब लोग उनमें करने का प्रयास करेंगे। और ख़ासतौर पर किसान ऐसे जो उनकी ज़मीन है जहाँ उपजाऊ नहीं है, आप उस पर बांस रोपने का काम करें और खेत की मेड़ पर भी किसान चाहे तो रोप करके उसको आगे बढ़ा सकता है। काम करने वाले किसानों को क्या अलग से मुआवजा दिया जाएगा या उन्हें सम्मानित किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी वो अपेक्षा सरकार से रखेंगे उसको पूरा। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।